दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। तो काफ़ी संतों के फोन आ रहे थे, मैं पंजाबी में बोलता हूँ, काफ़ी संतों के फोन आ रहे थे कि पंजाब दे विच कित्थे कैंप लगना है। सो 25 मई तो लैके 30 मई तक 25 मई तो लैके 30 मई तक होशियारपुर जिले दे विच, पंजाब दे विच होशियारपुर जिले दे विच सरहाला पिंड दे पंचायत वालों और उत्थों दे सत्कारयोग सरदार बिट्टू सरपंच जी वालों एक कैंप जो है 5 रोजा कैंप लगवाया गया है। और इस कैंप दे विच इलाज का जो समा रखा गया वो सवेरे 8 तो लैके 12 बजे तक और शाम को 2 तो लैके 5 बजे तक। दूसरा, इस कैंप दे विच खास करके जिहड़े सेरेब्रल पालसी के बच्चे ने या जिहड़े कणक तो एलर्जी के बच्चे ने या किसी भी तरह की कोई भी एजी बीमारी दे बच्चे जिहड़े कि दवाइयां ते डिपेंड ने या घरां दे विच चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते या जिन्हां नूं किसी तरह की सुध बुध की कोई कमी है, कोई भी रोग है, तो एक बारी आके साडी बेनती है कि चैक जरूर कराओ। तां कि कुछ ऐसे बच्चे ने क्योंकि वो दवाइयां दे नाल ही खराब हो रहे ने, जिवें सेरेब्रल पालसी दे बच्चे जिहदी दुनिया च कोई दवाई नहीं है और वो दवाई ले रहे ने उहदे करके उन्हां बच्चों का नुकसान हो रहा। कुछ अलग अलग होर भी बीमारियां ने। तो 25 मई तो लैके 30 मई तक होशियारपुर दे सरहाला पिंड दे विच कैंप लग रहा है और इस कैंप दे विच 8 तो लैके 12 बजे इलाज का समा रहेगा, 2 तो लैके 5 बजे शाम को इलाज का समा रहेगा और सवेरे 5 तो लैके 6 बजे तक योगा की क्लास भी रहेगी। ताकि आस पास और इलाके दियां संगतां जो कि योग दे नाल योग करन और जो कि छोटे मोटे साडे शरीर दे विच जो तकलीफ बीमारियां ने योग दे नाल ठीक हो सकदियां ने। इस दे नाल नाल जिन्हां नूं सिर दर्द है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, अख दी, नक दी, कन दी, गले दी, थायराइड दी, पेट संबंधी, पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है, सर्वाइकल है, बैक पेन है, गोड्यां दी तकलीफ है, लत्तां दी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी शरीर दे अंदर जो कोई जनरल बीमारी है तो उहदा 3 तो लैके 5 दिन दा इलाज दा ही कोर्स हुंदा है। तो एक बारी आके अपना चैकअप जरूर कराण। दूसरा कि ये जो इलाज असी कर रहे हैं जो कि बहुत ही अद्भुत और अच्छा इलाज है, इनू एक बारी जरूर देखने वास्ते जरूर पहुँचना है ताकि तुहानू पता लग सके कि असी बिना दवाई कुदरती तरीकों के नाल ठीक हो सकते हैं और बड़े सौखे ढंग के नाल असी ठीक हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारिया संगतां इहियां ने जिन्हां नू इलाज के बारे कुदरती इलाजां दी इलाजां दे बारे जानकारी नहीं है। असी कैंप लगा लगा के हुण ये साडा 502वां कैंप है, 502 यही कैंप जो है 5 दिनां दा असी रखिया है क्योंकि साडे कोले 10-10 दिन दे 2 अलग अलग थां ते कैंप लगते रहिंदे ने। तो ये 5 दिन दा समा है और इहदे विच कुदरती इलाज बारे हर तरह की जानकारी आप जी नूं मिलेगी। जो भी तुहाडी तकलीफ है, अगर उत्थे मान लो तुहानू इलाज लई समा नहीं भी मिलदा तां घट्टो घट एक वारी इलाज हुंदा जरूर देखना है तां कि तुहानू पता लग सके कि कुदरती इलाज इस तरह हुंदा है। दूसरा, जो इलाज असीं करदे हां उहदे विच जो तेल लगाया जांदा सिर्फ नाड़ां दे सर्कल नूं खोलण वास्ते लाया जांदा, इह नहीं वी उत्थे तां जी मालिश ही करदे ने, मालिश नहीं है। इस पूरे इलाज दे प्रोसैस का नाम न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम है, जिहदे तहत शरीर के अंदर आए सिस्टमां दे किसी भी विकार नूं जिहड़ा है वो ठीक किया जाता है। सो इस कैंप का सारिया ने वध तो वध फायदा उठाना है और सरहाला
पिंड की पंचायत वालों, नगर निवासियों वालों और सरदार बिट्टू जी वालों एक कैंप लगवाया गया है। उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि एक बहुत बड़ा उपराला किया है संगतां दे लई इलाज वास्ते। इस तरह सारियां पंचायतां जिहड़ा है उपराला करन तां कि हर एक पिंड दे विच कैंप लगे और हर एक पिंड दे लोगों नूं आस पास के इलाके दे लोगों नूं कुदरती इलाजों बारे जानकारी मिल सके और लोग जो कि दवाइयां खाई जा रहे ने और उन्हां दा इलाज दवाई दे विच नहीं है, जिवें सर्वाइकल है तो सर्वाइकल दा कोई दवाई दे विच इलाज नहीं है लेकिन दवाई खा रहे ने। माइग्रेन है जिहदा कोई दवाई दे विच इलाज है नहीं है पर खाई जा रहे ने। डिप्रैशन है जिहदा दवाई दे विच कोई इलाज नहीं है फिर भी खाई जा रहे ने। बैक पेन है जिहदा दवाई दे विच कोई इलाज नहीं है फिर भी दवाई खाई जा रहे ने। पेट दीयां समस्यावां ने जिन्हां दा दवाई दे विच इलाज नहीं है फिर भी खाई जा रहे ने। गोड्यां दी तकलीफ है जिहदा दवाई दे विच कोई इलाज नहीं है फिर भी दवाइयां खाई जा रहे ने। तो और भी बहुत सारे रोग ने जिन्हां दा दवाई दे विच कोई एक पैसे दा भी हल नहीं है फिर भी दवाइयां खा रहे ने। सो साडा कैंप लगाउण दा इही मकसद है कि वध तों वध संगतां नूं जानकारी मिले। साडे जो देश दे और पूरे विश्व दे जो साडे बुद्ध पुरश होए ने, साडे महापुरश होए ने, जो संत महात्मा होए ने, जो गुरु पीर होए ने, जिन्हां ने कुदरती इलाज दीयां विधियां दी खोज कीती है, असी उहनां नूं अपनाइए, उहनां दे नक्शे कदम ते चलीए और उहनां दी आग्या दे विच रह के जिहड़ा है कुदरती इलाजां नूं लै के अपने शरीर नूं तंदुरुस्त करिए और दवाइयां तों बचिए। इह ना होवे कि दवाइयां दा जिहड़ा जहर है, जो साइड इफेक्ट है, वह एक बीमारी नूं ठीक पता नहीं करता है कि नहीं करता लेकिन शरीर के अंदर अनेक साइड इफेक्ट वो जरूर पैदा करता है। इस करके दवाइयां नूं बचो और दवाइयां तो बच के कुदरती इलाज वाले पासे जुड़ के अपने शरीर नूं तंदुरुस्त करो और इस कैंप का जो है वध तो वध लाभ लहो। धन्यवाद। सत श्री अकाल।